शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप ही नहीं, सारा देश बोल रहा है और बोलना भी चाहिए। हिंदुस्तान टेलीविजन पे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक हिंदी कविता का एक शो, शायरी का एक शो जो हर रोज हर रात आप लोगों के बीच में आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नई प्रतिभाओं को लेके आता है। हम स्थापित नामों को तो बुलाते ही हैं, लेकिन उन लोगों को ज्यादा बुलाते हैं जो लोग अपना नाम आपके समक्ष लाने के लिए बेताब भी हैं, बेसब्र भी, और उन्हें होना भी चाहिए क्योंकि उनमें प्रतिभा है। तो ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को हम लेके आते हैं, इनके लिए एक बार कहते हैं वाह भाई वाह। वैसे प्रतिभा की हिंदुस्तान में कमी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टैलेंट है हमारे यहां। जैसे हिंदुस्तानी पति के पास इतने टैलेंट है कि पूछिए मत। ऐसा ही एक आदमी किताब बेच रहा था, एक औरत को कहा मैडम मैडम मेरे पास एक किताब है पतियों के लिए, रात को घर से बाहर रहने के 200 तरीके, खरीद लीजिए सस्ती है खरीद ले। मैं क्या खरीदूंगी, मैं औरत हूं मैं क्या खरीदूंगी। 500 रुपए में खरीद के गई, जब दुकानदार ने यह बताया एक कॉपी सुबह आपके पति को बेची है। अच्छा पति पत्नी तो जरूरी नहीं मनुष्यों में हो, सब जगह होते हैं। जैसे एक हाथी ने रोक दिया चुहिया को, किसी को भी छेड़ सकता है, छेड़ा छाड़ी में काट का जाति बंधन छेड़ दिया। तो हाथी ने चुहिया को छेड़ा, तो चुहिया जो है धमकती भी आई हथनी के पास, देखो समझा लो अपने पति को वरना मर्द हमारे घर में भी है। टैलेंट है ना, अलग किस्म का टैलेंट है। अब एक टैलेंट क्या, आदमी बहुत अच्छा बोलता है। अब देखिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन क्या करें, कुछ लोग बोलते हैं कुछ दिक्कत हो जाती है, मजाक का विषय नहीं है, कतई नहीं है, मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं। हमारा एक दोस्त है, वो उसकी तकलीफें बेचारे को, थैले दी कहाँ डाले, इधर मिलेंदे आज। मैंने कहा इधर ही मिलेंगे, इधर ही मिलेंदे, मैं इधर आऊंगा। मतलब क्या करें, उसकी शादी होने वाली थी तो उसकी माँ ने कहा कि भाई लौकी देखने जा रहे हैं, वहां बोलना मत वरना रिजेक्ट हो सकता है। अब बेचारे का ठीक है, वो जुबान पे ताला लगा के बैठा वहां। अब लड़की चाय लेके आई, अब जैसे ही चाय का घूट पिया वो इतनी गर्म, तुरंत बोला दलमे दलमे दलमे। तो उधर से जो लड़की चाय लेके आई थी, फूतबाल फूतबाल फूतबाल। अलग अलग किस्म के टैलेंट है ना, लेकिन हमारे पास तीन टैलेंटेड लोग हैं, तीन प्रतिभाशाली लोग हैं जो तीनों हिंदुस्तान के मूल से आए हैं, यानी हमारे गांव से, हमारे कस्बों से, और वहां से जब प्रतिभाएं आती हैं तो आपको भी खुश होना चाहिए, हमें भी खुश होना चाहिए कि शिमारू टीवी अपना कर्तव्य निभा रहा है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। हमारे बीच में आकाश उमंग है जो बाराबंकी जिला है उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत छोटा सा कस्बा है जिसकी आबादी कुल जमा 1400-1500-1600 है, गर्री गांव का कस्बा, वहां से आते हैं आकाश उमंग। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं आकाश। आज जब मुझसे मिले और मिलके थोड़ी देर बाद रोने लगे, भावुक हो गए, और मुझे अच्छा लगा कोई व्यक्ति इस कदर आंखों में आंसू के। सर मुझे उम्मीद नहीं थी जिंदगी में मैं आपसे मिलूंगा, मैंने बहुत संघर्ष किया है, माँ नहीं है पिता है, और पिता को लगता है कि मैं कोई काम नहीं कर रहा, इसलिए वो हमेशा मुझे डांटते भी हैं, लेकिन जब आज मैं हवाई जहाज में बैठकर मुंबई शूटिंग करने के लिए आ रहा था तो मेरे पिता की आंखों में आंसू थे। हम स्वागत करते हैं आकाश उमंग का।
मध्य प्रदेश में एक बड़ा मशहूर रेलवे स्टेशन है नागदा जंक्शन, वहाँ के मूल रहने वाले हैं कमलेश दवे। नागदा के एक कवि हमारे मित्र हुआ करते थे, जो हमारे पहले कविता का जो शो है उसमें आए हैं, जगन्नाथ विश्वजी, वो नागदा के हैं और दुर्भाग्यवश वो दुनिया में नहीं रहे। उसी नागदा से कमलेश दवे होते हैं और जो मूल अभी इंदौर में रहते हैं। हम स्वागत करते हैं कमलेश दवे का। दीपा देवयानी आती हैं, चौमू एक कस्बा है जयपुर के पास, जयपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ की होती हैं और ये जयपुर नगर निगम में सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम करती हैं, यानी जो सफाई का सारा ध्यान रखते हैं। आप हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के हम सारे लोग जो हैं वो समर्थक हैं और मुझे खुशी है कि मैं उसका एक स्वच्छ भारत अभियान का एक दूत भी हूँ। जो प्रधानमंत्री जी ने लोग चुने थे उनमें से हम लोग भी थे, मैं भी था और हैं, हमेशा हम स्वच्छ भारत अभियान के दूत बने रहेंगे। तो हम स्वागत करते हैं आप तीनों का। दीपा, आप जरा माइक भी उठाएं। कविता का शौक कैसे लगा आपको? मेरे पास शब्द नहीं है कि मैंने कहा भी अभी कि औरत होना ही अपने आप में बड़ा जटिल हो जाता है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उसके साथ में शुरू से ही जुड़ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक छोटे से स्लम एरिया से निकलकर यहाँ तक आना और शिमारू ने जो मुझे मंच दिया है, जो मुझ पे विश्वास जताया शैलेश सर ने, और वाह वही वाह का जो मंच है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोच नहीं सकते थे पर आज यहाँ है। कुछ संघर्ष हैं, कुछ आशीर्वाद हैं, कुछ जिजीविषा है, पर आगे बढ़ते रहना ही जीवन का नाम है। वाह, आपने बहुत बढ़िया बोला, लेकिन ये नहीं बताया कविता का शौक कैसे लगा। एक्चुअली जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो वो सृजन के उस काल में होती है और जैसे ही मेरा बच्चा मेरे पेट में आया और मैंने कविताएं शुरू कर दी। क्या बात है, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब आप इस दुनिया में ईश्वर की बनाई हुई एक रचना भी आपके पास थी और आप अपनी रचनाएं भी कर रही थी शब्दों के द्वारा। क्या बात है, मैं आपका स्वागत करता हूँ दीपा देवयानी। और आइए शुरुआत करते हैं उस लड़के से जो प्रतिभा का धनी, और मैं जानता हूं जब आकाश उमंग आज यहां कविताएं पढ़ेंगे सारा देश कहेगा इस लड़के को बुलाइए। आकाश उमंग, जोरदार ताली। बहुत बहुत आभार आदरणीय शैलेश सर का व सिमारू टीवी की पूरी टीम का मुझे आमंत्रित करने के लिए। चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इश्क में पिटे हुए आशिक का दर्द पढ़ता हूँ, सुनेगा। बहुत छोटी सी है लबर मेरी, लबर समझते हैं ना, बहुत छोटी सी है लबर मेरी, फिर भी लबर लबर कर। पढ़ता हूँ, मुझ तक पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि ख्वाब जो बुना है मुझसे वो ना रूठ जाए, ख्वाब जो बुना है मुझसे वो ना रूठ जाए, हम सफर मेरा कहीं मुझसे ना छूट जाए, और उस बेवफा की खातिर फांसी तो लगा लूं, डरता हूँ मेरे घर का पंखा ना टूट जाए। चार पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। लॉकडाउन में सरकारी टीचरों की क्या हालत होती है, मैंने सर को फ़ोन किया, अपने गुरुजी हैं, उनने जो बताया मैंने चार पंक्तियाँ लिखी। कि मोबाइल मायो देखो पबजी खेल रहे हैं, मोबाइल मायो देखो पबजी खेल रहे हैं, आए अगर जो डिप्टी तो ये फेल रहे हैं, ओ अब के यो मास्टरन का हाल का कही उमंग, 70,000 बैठे बैठे पेल रहे। एक छंद यार, ये कमाल है यार, ये जो हमारा ये जो गांव की भाषा है, जो हमारे मतलब ये जो आदमी सोचता है बैठ के गर्री में बैठ के, जो तुम सोचते हो ना, कमाल है वो। और एक छंद पढ़ता हूँ सर, सुनिएगा। मेरी शक्ल जो है भगवान ने भैया टाइप बनाई, तो मैं अपने कॉलेज में एक लड़की थी तो मैंने कहा कि इधर आओ, उसने कहा कि भैया बताओ, हमने कहा फीलिंग मर गई जाओ। मैं वो छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि नदी पार करने को नाव जो चलाऊं मैं तो,
भू नहीं खेवैया बोल देती है, ओ आई लव यू बोल के जो उसको प्रपोज करूं, मुंह बिचका के हाय दैया बोल देती है, और उसे मिलने को गाय वाले बंगले में जाता, कुत्तों से बचो तो सारी गैया बोल देती है, और मेरे चेहरे पे जाने ऐसा क्या लिखा हुआ है, देखते ही लड़कियां सब भैया बोल देती है। छंद और पढ़ता हूँ कि तेरे प्यार में जो जलसा मैं जलता रहा, मैं क्या कह सकता हूँ चेची सपोर्ट के हिसाब से, कि तेरे प्यार में जो जलसा मैं जलता रहा तो प्रेशर कुकर वाली भाप बन जाऊंगा, और प्यार में जो धोखा मुझे तुमने दिया तो प्रिय फिर मैं कलंक जैसा श्राप बन जाऊंगा, और बस मुझे दोस्त तुम अपना बना लो यार, घर का जमाई अपने आप बन जाऊंगा, घर का जमाई अपने आप बन जाऊंगा, और यदि तुम पति सा स्वीकारती हो मुझको तो, यदि तुम पति सा स्वीकारती हो मुझको तो 8-10 बच्चों का मैं बाप बन जाऊंगा। तुम जितने खुश हो इस प्यार मोहब्बत से, तुम्हारे पिताजी देख के जितने खुश होंगे उससे कहीं ज्यादा खुश मैं हूं, और इसलिए खुश हूं कि हमने एक प्रतिभा को उसका सही मुकाम दिलाया, उसे सही जगह पे लेके आए, और अब देखो तुम्हारी जिंदगी में क्या रौनक आती है। हम स्वागत करते हैं आकाश को। बहुत बढ़िया आकाश, ये बुलाते हैं उन्हें जो नागदा जंक्शन के हैं, रहते इंदौर में हैं, पहले एक स्कूल चलाते थे, अब कविताएं करते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। कमलेश दवे, जोरदार तालियों के साथ। चार पंक्तियां सुनाता हूं कि बाप ने बेटे से कहा, बेटा जल्दी से लड़की पसंद कर ले, लड़की में गुण देख, ये मत देख वो काली है गोरी है सांवली है या भूरी है, तो बेटे ने कहा, पापा अगर लड़की में गुण ही देखने तो अपनी काम वाली बाई क्या बुरी है। अपनी काम वाली बाई क्या बुरी है, तो बेटे की बात सुनकर बाप ने अपना आपा खोया और बेटे को तबीयत से धोया, बेटे को तबीयत से धोया और बाप ने कहा, बेटा सोने जैसी चीज को कभी फेंका नहीं करते, और जिस पर बरसों से बाप देख रहा है उसे कभी भी बुरी नजर से देखा नहीं करते, देखा नहीं करते। भाई एक बात बताओ, कहा चार पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनाई 13 तो बस बोल देते सुना रहा हूँ, ये चार पंक्तियां कहने की क्या जरूरत थी? नहीं कहेंगे। हाँ अब मत कहो। चार पंक्ति नहीं कहूंगा। हाँ। चार पंक्ति पढ़ रहा हूँ। पत्नी ने पति से कहा, अरे परदेसी पिया आजा, तेरी खूब कमाई हो गई, तेरे इंतजार में क्या से क्या तेरी लुगाई हो गई, मुझे तो शर्म आ रही है तुझे कब शर्म आएगी, अब तो अपनी भैंस भी दो बच्चे की माई हो गई। अब तो अपनी भैंस भी दो बच्चे की माई हो गई। तो उधर से पति ने जवाब दिया कि तेरे सवाल में ही इसका उत्तर है, तू तो ये बता कि तेरे में और भैंस में क्या अंतर है। अब 10-12 पंक्तियां, चार पंक्ति नहीं बोलूंगा मैं, तो सुनिए साहब। बेटे ने बाप से कहा, पिताजी शादी कराओ शादी कराओ शादी कराओ, तो बाप ने कहा, शादी करवा दो लेकिन बाप ने क्या शर्तें रखी, सुनिएगा। बाप ने बेटे से कहा, बेटा मैं तेरी शादी तो करवा दूंगा मगर शादी के बाद बीबी के सामने हंसना व मुस्कुराना पड़ेगा, झूठ मूठ का प्यार जताना पड़ेगा, ठंडा बासी भी कई बार खाना पड़ेगा, कई बार खाना बना करके भी उसको खिलाना पड़ेगा, उसे न जाने कहाँ कहाँ घुमाने फिराने ले जाना पड़ेगा, वो न जाने कौन कौन सा सामान मंगवाएगी खरीद करके लाना पड़ेगा, और दुनिया में कहीं भी रहो रात को घर तो आना पड़ेगा, दुनिया में कहीं भी रहो रात को घर तो आना पड़ेगा, और बेटा बीबी 10 रुपये वाला वो तीखा मिक्सचर है जो अंग्रेजी पीने के बाद भी खाना पड़ेगा।
अंग्रेजी पीने के बाद भी खाना पड़ेगा। तो बेटे ने कहा, पिताजी ये काम तो मैं कर लूँगा, मगर अपने घर में एक ही कमरा है, शादी के बाद आपको बाहर जा कर के बिस्तर लगाना पड़ेगा, बाहर बिस्तर लगाना पड़ेगा। कमल जी क्या आधुनिक पुत्र है, शादी के पहले ही पिता को बाहर जाने की सलाह दे रहा है। तुम बाहर जाके सो, भगवान ऐसी औलादों से बचाए। लेकिन ऐसी औलाद भी क्या करे जब कमरा ही एक है, अपनी अपनी समस्याएं हैं, इधर बाप है, इधर कमरा है, इधर बीवी है, क्या किया जाए। ऐसे में त्याग तो पिता को ही करना पड़ता है। कमलेश तैयार हो जाओ, जब तुम्हारे पुत्र का विवाह हो ये त्याग करना, और बाहर जाके अंग्रेजी के बाद तीखा मिक्सचर खाना, बहुत मजा आएगा। बाबा ही वाके इस मंच को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम निवेदित करती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार सर, और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हम जीवन में सब कुछ भूल सकते हैं, पर पहले मिलन की जो रात होती है वो कोई नहीं भूल पाता। और क्या ये वो कर रहे हो? और ऐसी ही मिलन की उस रात की खुशबुएं लेकर, उसका एक गीत लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, सुनिएगा। मती मारी गई सैया तो पे वारी गई सैया, मती मारी गई सैया तो पे वारी गई सैया, मती मारी गई सैया तो पे वारी गई सैया। ढूंढो ढूंढो मोरे कान का बाला, ढूंढो ढूंढो मोरे कान का बाला, उलझी लट मोरी टूटी माला, उलझी लट मोरी टूटी माला, सावन आया ओढ़ दुशाला, सावन आया ओढ़ दुशाला, थर्राए मुख शर्माया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, अखियों से यूं बोली अखियां, अखियों से यूं बोली अखियां, ये तो चोरी भई सैया, ये तो चोरी भई सैया, जोरा चोरी सौंपती हूँ। देखो समय का ये उजियारा, देखो समय का ये उजियारा, चंद्र भये तुम मैं मधुबाला, चंद्र भये तुम मैं मधुबाला, प्रेम सुदाबर सीमत वारी, प्रेम सुदाबर सीमत वारी, बीत गई रैन ये सारी, देखो भोर भई सैया, देखो भोर भई सैया, मती मारी गई सैया तो पे वारी गई सैया, मती मारी गई सैया तो पे वारी गई सैया।
तक समझ में आया, जितने ये गीतों की नायिकाएं हैं ये पहले प्रेम करती है उसके बाद क्यों कहती है कि मती मारी गई सही, ये कैसा कवर अप है? प्रेम करो तो करो, मती क्या मारी गई है? दुनिया में किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें प्रेम मिलता है, सबसे अभागे तो वो है जिन्हें प्रेम मिलता ही नहीं है। इसलिए तो समझो कि हमारी किस्मत में मिला है प्रेम, तो प्रेम मिला है तो प्रेम कीजिए, जीवन में हर चीज से प्रेम कीजिए। और आइए हम बढ़ते हैं आगे उस सेगमेंट की ओर जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। अरे अरे माँ और बालक, बालक माँ के साथ ठिठोली कर रहा है और एक बच्चा देख रहा है, शायद इसे अपनी माँ की याद आ रही होगी। किसी को याद आता है? हाँ, एक मेरा वायरल मुक्तक है, मैं पढ़ देता हूँ वो जी। कि खाली ममता से अम्मा नहीं है, माँ के ममता किसे माँ नहीं है, ओ माँ ही है माँ के जैसी जहाँ में, माँ ही है माँ के जैसी जहाँ में, माँ ही है माँ के जैसी जहाँ में, दूसरी कोई उपमा है, 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 है। दूसरी को क्या बात है, माँ के जैसी माँ ही है दुनिया में, दूसरी कोई उपमा नहीं है। और यकीन मानिए माँ की कोई उपमा हो भी नहीं सकती, पानी का कोई विकल्प नहीं होता, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, माँ का कोई विकल्प नहीं होता। और ठीक इसी तरह से वाह भाई वाह, कोई विकल्प नहीं है, वाह भाई वाह।